आज की इस वीडियो में एक्सेल पर फॉर्मेट सेल के अंदर फॉन्ट के इन सभी ऑप्शन का यूज करना बताऊंगा। तो मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने एक्सेल ओपन कर रखा है। फॉर एग्जांपल अभी हम यहां पर अंकुर टाइप करके इंटर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो टेक्स्ट मेंशन किया उसका फॉन्ट एक नॉर्मल फॉन्ट है। अगर आपको अपने एक्सेल डेटा का फॉन्ट या फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करना हो तो पहले अपने सारे डेटा को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फॉन्ट चेंज करने के लिए ऊपर यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि अभी हम फॉर्मेट सेल सीख रहे हैं, तो फॉर्मेट सेल का विंडो ओपन करने के लिए Ctrl+1 यानी कि Ctrl+1 को प्रेस करके फॉर्मेट सेल ओपन करना है। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है, अगर आपको ये अलाइनमेंट के सभी ऑप्शन का यूज़ करना नहीं मालूम है तो वीडियो आई बटन में है, आप देख लेना। ओके, तो हाँ अभी हम फॉन्ट पर आ जाते हैं। इसके बाद पहला ऑप्शन फॉन्ट, यानी कि यहाँ से आप किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन फॉन्ट स्टाइल पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप अपने फॉन्ट को रेगुलर ना करते हुए इटैलिक, बोल्ड या बोल्ड इटैलिक दोनों कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बोल्ड इटैलिक ऑप्शन को सिलेक्ट किया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन साइज में ऑलरेडी 11 नंबर लगा है, लेकिन नहीं अभी हमको फॉन्ट साइज लार्ज करना है। तो फिलहाल यहाँ पर साइज में 18 मेंशन कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए प्रीव्यू दिखाया जा रहा है, यानी कि जो डेटा सेलेक्ट है उस पर फॉन्ट इस तरह आएगा। जैसे अभी हम ओके कर देते हैं तो अब यहाँ पर देखिए फॉन्ट चेंज, फॉन्ट साइज 18 और बोल्ड इटैलिक, ये सारी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब हम सीखेंगे कि इस नाम के नीचे अंडरलाइन के स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। तो पहले Ctrl+1 को प्रेस करके फॉर्मेट सेल ओपन करना है। इसके बाद इधर देखिए अंडरलाइन के यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ सिंगल पर आते हैं तो इधर प्रीव्यू में देखिए फॉन्ट के नीचे इस तरह की लाइन आ रही है। इसके बाद इधर यहाँ पर डबल को सिलेक्ट करते हैं तो इधर आप प्रीव्यू देख सकते हैं। इसी तरह सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करके देखिए, जो अंडरलाइन आपको अच्छी लगे उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगला ऑप्शन कलर का है, यानी कि यहाँ से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर रेड कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो प्रीव्यू देखिए अब हमारा फॉन्ट इस तरह से आएगा। अब अगला ऑप्शन नॉर्मल फॉन्ट का है। तो दोस्तों इस पर टिक नहीं करना है, अगर इस पर टिक कर देंगे तो जैसे पहले फॉन्ट लगा था उसी तरह एक नॉर्मल फॉन्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद सिंपली ओके कर देते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट, तो अब हम कुछ इफ़ेक्ट सीख लेते हैं। इसके लिए पहले हम अपने इसी नाम को सिलेक्ट करते हैं। अब Ctrl+1 को प्रेस करके फॉर्मेट सेल ओपन करते हैं। अब यहाँ पर इफ़ेक्ट में देखिए तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू का है, अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो जिस नाम को आपने सेलेक्ट किया है उसके बीच में एक लाइन आ जाएगी जिसे हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। जैसे अभी हम इस पर टिक करते हैं तो यहाँ पर प्रीव्यू में आप देखिए, फिलहाल अभी हम ओके कर देते हैं तो देखिए फॉन्ट के बीच में एक लाइन आ चुकी है, इसे हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, तो अभी हम अगली सेल में 106 लिखते हैं। इसके बाद इसमें केवल 6 को सिलेक्ट करते हैं। अब Ctrl+1 को प्रेस करके फॉर्मेट सेल ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया गया है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि जैसे मैथ में किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर या क्यूब वगैरह लगा होता है तो ये सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन से ही लगाया जाता है। जैसे अभी हम सुपर स्क्रिप्ट पर टिक करके सिंपली ओके कर देते हैं तो अब यहाँ पर देखिए 10^6 हो चुकी है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 6 को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 से
फॉर्मेट सेल ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर सब स्क्रिप्ट पर टिक करके सिंपली ओके कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए सिलेक्टेड नंबर नीचे हो चुका है। इसके बाद हम कंट्रोल वन को प्रेस करके फॉर्मेट सेल ओपन करते हैं। तो दोस्तों अब आप फॉन्ट के सभी ऑप्शन के मास्टर बन चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बॉर्डर पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी ऑप्शन का यूज़ करना सीखेंगे। वीडियो समझ आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।